मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। उज्जैन में मिशनरी स्कूल के एक टीचर की गंदी हरकत सामने आई है। आरोप है कि वह क्लास में लव यू किस यू जैसी बातें पढ़ाता है, लड़कियों को पॉर्न वीडियो दिखाता है, उन्हें बैड टच भी करता है। पीड़ित बच्चियों ने अपने परिजनों को यह बात बताई। आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदल गया है। हल्की ठंड के बाद शुक्रवार को मौसम में हल्की गर्मी महसूस हुई तो पारा कई इलाकों में 4 डिग्री तक चढ़ गया। भोपाल और इंदौर समेत अधिकांश शहरों में दिन का पारा रात से 2 गुना यानी डबल हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक दिन और रात के तापमान इसी तरह बना रहेगा। 2 दिन बाद जब हिमालय से आने वाली हवाएं गुजर जाएंगी तो मौसम फिर बदलने लगेगा। 7 नवम्बर से हल्की ठंड का एहसास हो सकता है तो 8 नवम्बर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अब दीदी माँ कहलाएंगी। 17 नवंबर को उमा भारती को संन्यास लिए 30 साल पूरे हो रहे हैं। इस संबंध में पूर्व सीएम ने एक एक कर करीब 17 ट्वीट किए हैं। इसमें उन्होंने बचपन से लेकर संन्यास लेने, राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कई अहम बातें लिखी है। उमा ने परिवार जनों को सभी बंधनों से मुक्त करने और खुद के भी पारिवारिक बंधनों से मुक्त होने की बात कही है। उमा ने 17 नवंबर 1992 को अमरकंटक में दीक्षा ली थी। पूर्व मंत्री इमरती देवी एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल उपचुनाव में हार को लेकर उनकी टीस अक्सर सामने आती रहती है। इस बार उन्होंने एक संत से पूछ लिया कि मुझे चुनाव किसने हरवाया। इमरती देवी को जवाब भी मिल गया। दरअसल सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी का विधानसभा उपचुनाव में हार का दर्द एक बार फिर झलका है। इस बार ग्वालियर के हरिशंकरपुरम में भागवत कथा के दौरान गुरु शरण महाराज उर्फ पंडोकर सरकार से उन्होंने पूछा कि वो चुनाव कैसे हार गई, उनको चुनाव किसने हरवाया। इस बार पंडोकर सरकार बोले, आपके वर्तमान पार्टी के किसी व्यक्ति ने चुनाव हरवाया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल शनिवार को देवास जिले के 2 गांव बरझाई व पुंजापुरा पहुंचे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल सुबह 10 बजे बागली के गांव बरझाई पहुंचे, जहां आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं और आम लोगों से चर्चा की। इस दौरान राज्यपाल ने महिलाओं से चर्चा, उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर जानकारी ली, पूछा कि बताए कौन कौन ऐसी महिलाएं हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों का नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबाना ना भूलें।